हबुका किचन में आज हम वेज रेसिपी में बनाएंगे आलू पालक की सब्जी। अगर आपको आलू पालक की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इसे बड़े पीस में काट लिया है। आधा किलो पालक ली है, पालक के डंठल निकाल लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से धोकर इसे बारीक काट लेंगे। आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल, ऑयल गरम हो जाने के बाद एक छोटा चम्मच जीरा और एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को सॉफ्ट हो जाने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो जाने के बाद अब हम इसमें एक चुटकी हींग ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के आलू ऐड करेंगे। आलू को मीडियम फ्लेम पर प्याज के साथ भूनेंगे। आलू को प्याज के साथ 2 मिनट भून लेने के बाद इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। आलू को 2 मिनट लो फ्लेम पर कुक करने के बाद अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम पर टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। लो फ्लेम पर कुक करने के बाद टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और आलू भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक ऐड करने के बाद अब इस पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर पालक को सॉफ्ट कर लेंगे। पालक सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। पालक को हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। आलू पालक की सब्जी रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको आलू पालक की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।